चलो जी चलो। तो आज सबसे पहले देंगे कुकू को और ईगल को डाइट। यार जो कल हमने ना इसको दी थी ना डाइट, इसने नहीं खाई, देखे वो वहां पे पड़ी है, क्योंकि वो बॉयल थी। तो मेरे ख्याल में कच्चा गोश्त शौक से खाता है, तो ये डाल देता हूँ मैं। ठीक है चलो जी, जाओ जाओ और खा लो वहां पे। इसको एक दो दिन रखना है यार, उसके बाद ना इसको हम आजाद कर देंगे। ये लो भाई साहब, ये लो ये लो ये लो, ये लो। खा लो खा लो खा लो खा लो, शाबाश शाबाश। प्लेट के साथ ही दे दिया आज इसको, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो यार पर तो ये खुद ब खुद वहाँ पे जाएगा और ये खा लेगा। ये देखें सही है सही है, शाबाश। हुए हुए भाई, ये क्या हो गया भाई? यार यहाँ पर देखें, मैं यार कुछ नहीं कहूंगा यार, मैं क्या करूं यार, बताएं आप मुझे। देखिए कितनी मछलियां मरी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो भी बड़ी वाली। ओए ओए ओए, ये क्यों मरी होंगी? ओए यार, तो यार मैं तो आपके पास जाता हूँ, उसको बुलाता हूँ। हेलो भाई, इधर छोड़ो इसको, छोड़ो पानी देना, इधर रख दो ना, बता तो ऊपर आओ, ऊपर चलो। क्या हुआ भाई साहब? बहुत बुरा सीन हो गया, चलो बहुत ही बुरा है, पर चलो सब पता चल जाएगा भाई, खुद ही देख लो। क्या हुआ है भाई? सब बच्चे मर गए हैं, बस एक दो ही बची हुई हैं। कैसे मुझे नहीं पता। ओए एक मिनट, ये देख रहे हो ये फाउंटेन, ये टूटा हुआ है हीटर, हीटर की वो लाइन बनी हुई है, देख रहे हो कॉइल होता है अंदर, ये फटा है। हट जाओ, इस पे करंट होगा, इस रॉड में ना करंट होगा, जिसकी वजह से ये मरी है। मुझे समझ आ गई है, ये वाला स्टील का था ना, ये स्टील का शीशे का टूटा हुआ है, ये शीशे वाला हीटर फटा है, जिसकी वजह से रॉड में करंट है, ब्लैक हुई पड़ी है। उस बेचारे को करंट लगा है, सिप्पी सबको लगा है भाई, सबको लगा है। कितना बची हुई है बाकी? वो बची हुई है यार, 3 बची हुई है। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो निकालें। ओए होए होए, स्विच निकाल दिए मैंने, ये हटो। ये निकालो इसको, ये इसमें करंट है, ये देख रहे हैं यार आप, ये हीटर फटा है, हीटर फट गया और हमारी मछलियों को करंट लग गया। अभी तो कुछ अभी निकाल दिए मैंने, अब तो कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं ये रॉड, इसमें करंट आया होगा। क्यों मंगवाया था दूसरा हीटर, ऐसे फट रहा है? यार मुझे क्या पता, ग्लास हीटर हर कोई यूज करता है, हर कोई। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, पानी पूरे में करंट नहीं आया होगा क्या? फिर वो वाली मछलियां जिंदा, ये वाली क्यों मर गई हैं? नहीं नहीं नहीं, जो जो मछली इस रॉड को टच हुई है ना, अच्छा वो मछली मरी। ये देखो दाग, देखो इसके जिस्म पर, किसके किस किस जगह टच हुआ है ना ये रॉड इनको, वहाँ पर इनको फिर झटका लगा है। हाँ ये देख रहे हो, ये यहाँ पर सितन पकड़ो जरा। हाँ ये देखो इसको ना, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये सही है सही, हर किसी को एक एक निशान है। ये देखें इसको यहाँ पे करंट लगा है, ये तो पूरी बर्बाद हुई पड़ी है सिप्टन, इसको यहाँ टच हुआ, यहाँ फुल झटका लगा है। ओए यार क्या, यार क्या हो रहा है ये? मैं अंदर चला जाता। ये देख रहे हैं यार, ये दुश्मन है इनका। ये हीटर आप कभी भी यूज ना कीजिएगा यार, ये जो ग्लास हीटर होते हैं ना, आपने कभी नहीं यूज करने, छोटे भी मरी हुए हैं यार। हाँ इसको इसको यहाँ पे लगा है करंट, ये जगह इसको भी लगा होगा, ये देखो इसको यहाँ पे लगा, ये देखो सबको करंट लगा होगा। हाँ जो 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 ये रहा, ये रहा, जो जो जिंदा है ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। बाहर छोड़ दो इसको। अच्छा बाकी इसके दोस्त वो भी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको साइड पे करो, इसका और भी दोस्त था। हाँ एक और भी था, वो भी देखते हैं उस साइड पे, देखो उस साइड पे, ये है सिप्टन तीसरा, ये मिल गया मिल गया, रख दो तीनों को बाहर। चलो यार तीनों के तीनों कछुए बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देखें यार, जो छोटी छोटी मछलियां थी ना इतनी इतनी वाली, ये वो देखें, वो जिंदा है, उनको कुछ नहीं हुआ, एक भी छोटी मछली नजर नहीं आ रही है मुझे मरी। ये वाली भी जिंदा है, मतलब ठीक है। तीन बड़ी बची है, एक सफेद और दो ऑरेंज। हाँ ऑरेंज, हाँ बस यही बची है बड़ी वाली, बाकी बड़ी वाली कुछ तो आपके हाथ में कुछ उधर। हाँ चार कछुए नहीं थे हमारे, चारों ठीक है, चार कछुए थे हमारे, ये रहे चारों के चारों ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो गया हमारे साथ आज, बड़ी मछलियां भी हैं छोटी मछलियां भी हैं, सारी मर गई। तो
तो यार ये वाला जो स्टील वाला हीटर है ना बिल्कुल सेफ है, इसको हम यूज़ भी करेंगे और आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन ये वाला आप कभी भी यूज़ ना कीजिएगा, नहीं तो आपकी मछलियों का भी हाल ऐसे ही होगा जैसे हमारी मछलियों का हुआ है। चलो यार चलो। तो यार तकरीबन 1.5 साल पहले हमारी ऐसी मुर्गियाँ मरी थी इतनी मतलब क्वांटिटी में एक साथ, तो आज हमारी मछलियाँ मरी हैं वैसे ही। तो जैसे उस दिन दुख हो रहा था ना, आज भी उतना ही दुख हो रहा है क्योंकि इनको काफ़ी अरसा हमने रखा था अपने सेटअप पर, कितना 2-3 महीने तो हो गए होंगे इनको। वहाँ वहाँ पे ले चलो रख दो। और एक मिनट यार इन सबको ना गिन लेते हैं कि भी कितनी मरी हैं हमारी। 1 मछलियां मरी हैं हमारी एक साथ। इसमें इधर दफना दें तो आप? हाँ कसी, लेकिन सितैन बात सुनो मेरे हाँ? जहन में एक चीज आ रही है। क्या? ये मछलियां दफनाते नहीं है यार। क्यों? जैसे कैट्स वगैरह होती हैं वाइल्ड हाँ। डॉग्स होते हैं, उन बेचारों को खाना नहीं मिलता हाँ। तो हम उनके लिए छोड़ के चले जाते हैं इनको, किसी अच्छा। के काम आ जाएंगे, खा लेंगे वो, जान तो है नहीं इनमें। ये भी तो पास ही चले जाते हैं, कुत्ते वगैरह आएंगे खा लेंगे, ठीक है वो भी तो एक एनिमल्स हैं यार, उनको भी तो नीड होती है। ये बात भी सही, वैसे भी चलो आओ छोड़ो यहाँ पर इनको छोड़ देते हैं बस। सही है, हीटर तो दफनाऊंगा मैं, ये दुश्मन है, ये आप कभी ना यूज़ कीजिएगा, मेरा यही मशवरा है आपको, ग्लास हीटर कभी भी यूज़ ना कीजिएगा नहीं तो ये हाल होगा। करंट लगा है इनको इस हीटर की वजह से ना, इसमें करंट आ गया था वो मर गई, करंट आता है ना करंट से मर जाते हैं ना इस वजह से। तो इन मछलियों को यहीं पे अकेला छोड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। यार जब से तुराब को बुलाया पानी यहीं पे बह रहा है, तो पानी को बंद कर दो तुराब जाओ। बहुत ज़्यादा यार दुख हो रहा है मुझे, एक हीटर की वजह से हमारी बेचारी मछलियाँ मर गई हैं। जितना ज़्यादा सर्दी होती थी, जितना गर्म मौसम रहा है, हमारी मछलियाँ उस फाउंटेन में सरवाइव कर जाती थी, लेकिन जब हीटर फटा तो बेचारी करंट की वजह से वो मर गई हैं, नहीं तो वो सेफ थी हमारे फाउंटेन में। बहुत ज़्यादा यार दुख हो रहा है, वो हीटर आप प्लीज़ ना लीजिएगा, कभी भी धोखा दे सकता है। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि गंजे मुर्गे के लिए गंजी मुर्गी मिनी जू में लेकर आते हैं। काफ़ी भाई कमेंट बॉक्स में कह रहे थे भाई आप इस मुर्गे के लिए ना गंजी मुर्गी इधर लेकर आएँ, ये मुर्गा अकेला ना रहे। तो सिप्तान आओ चलें यार इसके लिए मुर्गी लेकर आए। चलो, इसने खाना खाया हुआ, इसको नहीं देना। लकी कैसी हो? ये वाली मुर्गी दोस्तों हम मिनी जू में लेकर जाएंगे। गंजी मुर्गी दोस्तों मैंने पकड़ ली, अब चलते हैं मिनी जू में। आ जाओ सिप्तान, चलो भाई जाओ। तो अब ये दोनों ना एक साथ रहेंगे यहाँ पर मिनी जू में। काफ़ी टाइम से दोस्तों मैं माइलो और स्नो को ना फीडर पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फीडर पी नहीं रहे। अब मुझे ना टेंशन हो रही है, उधर से मछली मर गई हैं और इधर से ये दूध नहीं पीते, बेचारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैंने नोट किया है कि इनकी हड्डियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, घास पर ये नहीं रह सकते ना दोस्तों, अभी छोटे थे। लेकिन अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इनको हर हाल में फीडर पिलाऊँगा। चलो भाई चलो पी लो यार पी लो, शाबाश। ये दूध पीला क्यों है? इसमें विटामिंस मिक्स किए हैं मैंने। अच्छा सही है फिर तो ताकत आएगी इनको। पी रहा है, क्या बात है, ऐसे पिलाना पड़ता है यार ज़बरदस्ती, नहीं तो नहीं पीते ये। अभी भी नहीं पी रहा, कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं जहर दे रहा हूँ इसको। सही, वो समझ रहे, दवाई पिला रहे हो। दवाई क्या यार, दूध पिए जल्दी से बड़ा होगा ना, ऐसे तो घास से थोड़ी ना बड़ा होगा, ये बच्चा है अभी। हाँ चलो स्नो पियो, शाबाश यार, पियो ना बड़े हो जाओगे। चलो पियो, शाबाश। तो यार सुनो ने बस एक आधा घूंट पिया होगा, अब इसकी बारी है, ये देखते हैं पीता नहीं पीता। पी नहीं रहा, ऐसे सुकून से इसने रखा हुआ है। सही बात है, शयान की तरह। मैं बताऊं हाँ। जो चीज़ें खाते हैं ना उन्हीं में ही कुछ ना कुछ ऐसा ताकत वाला मिक्स करना होगा जिससे इनको ताकत मिले। जैसे ये घास खाते हैं ना हाँ। उसके अंदर विटामिन्स वगैरह मिक्स कर सकते हो तुम। कैसे मिक्स कर सकते हैं? मतलब कुछ इस तरह का सोचो ना, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया तुम्हें, बाकी तुम्हारी मर्जी है आगे। हमारे दोस्तों गांव वाली बकरी ना अब यहाँ पर रिलैक्स होना शुरू हो गई है, कल पूरा दिन ये यार चिल्लाती रही है, बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पर खुश है, अब इसको कोई टेंशन नहीं है। ईंटों पे घास क्यों डाला तुमने? ईंटों पे इसलिए डाला है क्योंकि वहाँ पर ना जाके सिम्बा ऊपर ठहर जाता था और सारा का सारा घास खराब करता था, तो मैंने फिर ईंटों पर सारा गिरा दिया है, तो यहाँ पर आराम से खा रही है ये। तो इन बेचारी मछलियों को ना मैं खाना डाल देता हूँ, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाना डालता था, अब बची कितनी गई हैं, तो 80% हमारी मछलियाँ तो चली गई हैं,
बस इतनी रहती है। ये लें खा लें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, बहुत ही बुरी वीडियो थी, हमारी मछली मर गई यार, अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।